फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कहते हैं कि हैविंग का इस्तेमाल को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप कहते हैं कि कभी हैविंग का मतलब पाना, कभी देना, कभी खाना, तो नहीं समझ पाता हूँ कि हैविंग का क्या इस्तेमाल है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हैविंग को लेकर कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हैविंग का इस्तेमाल टेक, गिव, गेट और रिसीव के सेंस में करते हैं, यानी हैव का मीनिंग लेना, देना और पाना होता है। इसीलिए इस बात को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए इन सभी बातों को एग्जांपल में समझें ताकि आप हैविंग को लेकर कभी कंफ्यूज न हो जाएं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि आप पहले सीख चुके हैं कि हैव का इस्तेमाल आप टेकिंग यानी लेने के सेंस में, गिविंग यानी देने के सेंस में, गेटिंग यानी पाने के सेंस में या रिसीविंग के सेंस में कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कहे नाश्ता कर लो तो इस सेंटेंस के लिए आप कहते हैं टेक योर ब्रेकफास्ट। लेकिन अगर आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं हैव योर ब्रेकफास्ट, यानी टेक की जगह पर आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कहना हो कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, और आप ये भी कह सकते हैं आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। अगर आपको कहना हो कि मैं तुमको एक मौका देता हूँ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गिव यू अ चांस, तो इस सेंटेंस के लिए आप ये भी कह सकते हैं आई हैव यू अ चांस, यानी आप गेट की जगह पर हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तुमको एक मौका दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू अ चांस, और इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं आई एम हैविंग यू अ चांस। अगर आपको कहना हो कि मैं तुमको एक काम दे रहा हूँ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम गिविंग यू अ टास्क, लेकिन इस सेंटेंस के लिए आप ये भी कह सकते हैं आई एम हैविंग यू अ टास्क। अगर आपको कहना हो कि मैं कुछ मेल पा रहा हूँ या मुझे कुछ मेल्स आ रहे हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम गेटिंग सम मेल्स, लेकिन आप गेटिंग की जगह पर ये भी कह सकते हैं आई एम हैविंग सम मेल्स। अगर आपको कहना हो कि मैं एक लेटर रिसीव कर रहा हूँ तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम रिसीविंग अ लेटर, लेकिन यहाँ रिसीव की जगह पर आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कह सकते हैं आई एम हैविंग अ लेटर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि हैव का इस्तेमाल लेना, देना या प्राप्त करना या पाना के सेंस में किया जाता है क्योंकि हैव का मतलब गिव, टेक, गेट, रिसीव होता है। इसीलिए टेकिंग, गिविंग, गेटिंग और रिसीविंग की जगह पर आप हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।